हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, क्योंकि मैंने उस चैनल पे बोला है और इस चैनल पे तो न्यू ईयर का शायद पहला ब्लॉग है। बाय द वे गाइस, मैं ना इतना इस चैनल पे आई थिंक मैं अच्छे से कंटेंट नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। 2021 का मेरा एक ये भी रेजोल्यूशन है कि मैं थोड़े ढंग से ब्लॉगिंग करूँ और आपको यहाँ पे भी कॉन्टेंट दूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, कुछ दिखाने को लेकर भी कभी नहीं रहता है। फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये पहना है, तो मैंने ये पहना है, चप्पल पहने हैं मैंने, ऊपर से मैं बहुत सज धज के रेडी हूँ, लेकिन नीचे मेरा ये हाल है, हमेशा का मेरा ये हाल होता है। क्या कहते हैं, आउटफिट में रील्स बना रही थी अपने खुद के वॉइस पे, अगर आपने चेक नहीं किया तो जाके चेक कर सकते हो। और मुझे मैंने आपसे पूछा है कि आप कौन सा शॉर्ट वीडियो ऐप यूज़ करते हो ताकि मैं अपने वीडियोज़ वहाँ पर भी अपलोड करूँ। अगर मैंने वहाँ पर आईडी बना ली होगी तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी ताकि आप मुझे वहाँ जल्दी से फॉलो कर सको। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आप कुछ बनाओ, क्योंकि मेरे पास एक क्लिप थी इस व्लॉग के लिए, तो मैं कल गई थी अपने वीडियो के लिए रोज़ लाने। चलो दोस्तों चाय पीते हैं, क्योंकि हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। आउच, मेरे पैर में कुछ काट रहा है। हेलो लूशी, ये देखिए लूशी यहाँ पे बैठी हुई है। हाय तो बोलो बहन, और क्या है मेरे पास दिखाने के लिए? ये है दीदी सेम चश्मे में। मेरे पैर में कुछ काट रहा है। तुम लोग बाहर जा रहे हो क्या? मैं भी बाहर पीऊंगा चाय आज। ये रहा मेरा चाय। पापा जी इसमें आग से ज्यादा तो धुआं है। मम्मी चाय पी रही है। हाँ धुआं फ्री आग चाहिए। मम्मी हाँ बोलो। चेयर्स चेयर्स। टना टना। अरे तुम अकेले अकेले बिस्किट खा रही है, मेरे को भी दो। ये गया बिस्किट चाय में। खतरनाक देखा, कौन देखेगा मुझे ऐसे। यार उससे अच्छा वो लगता है 2020 रेड वाला। मम्मी इसको मलाई है। हाँ पता है क्या हुआ, मिट्टी में लूशी चली गई थी और पता नहीं वो क्या कर रही थी, अजीब अजीब हरकत। तो मम्मी इतने ठंड में उसको गर्म पानी से नहला रही थी और जाती नहीं है, जल्दी नहाती नहीं है। यहाँ पे कवाली हो रही है क्या? हटा दो जी, तो भी आलसी है। अरे सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपके बर्थडे का बलून अभी तक उतरा नहीं, तो गाइज ये हाल है, मैं दिखाती हूँ। ये आप देखो इधर से, ये ऐसा हो गया है। और बर्थडे में कितना अच्छा था ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अंधेरा किया ही है। तो मेरे बर्थडे में ऐसे था पूरा राउंड और अब इसकी हालत ये हो गई है। मम्मी मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको, बोलिए ना मेरी हेल्प, मेरी हेल्प, ताकि आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट बन जाए। मेरे चेहरा मेरी मम्मी की जैसा दिखता है ना, देखो हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। मेरा दांत टेढ़ा, तुम्हारा कहाँ टेढ़ा? देखिए मेरा तो दांत ही मोटा मोटा है, अजीब सा। इतना इतना प्यारा हंसती है ये और कहती है, देखो लूशी आ गई। ये देखो मेरी सोना, मेरी सोना, मेरा हीरा, पता है मम्मी। भैया बस करो बस करो, कितना बात करोगी। ये जितने भी बलून यहाँ पे आपको फूटे हुए देख रहे हैं वो लूशी और लूशी की दीदी का काम है। पता मैंने तुमको बोला था ना, वो इंसानी रूपी कुत्ते उस स्टोरी पे लगा था, इतने सारे लोग हंस रहे थे, हा 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 इंसानी रूपी कुत्ते, वो तो तुम खुद ही हो, तुम एक डॉग हो, तुम एक मेरे कमेंट हेट कमेंट को ये चिढ़ा रही है। वो जो कमेंट एक डॉग हो, मुझे एक हेट कमेंट नहीं आया था तुम एक डॉग हो, तब से ये लड़की मुझे चिढ़ाती है तुम एक डॉग हो। ये देखो जरा, ये देखो बलून के लिए कितना चिल्ला रही है। ये देखो, वाह भाई वाह। पापा जी के पास क्या? भाई साहब इतना मेरे ऊपर मत आ जा। ओ गिरी गिरी गिरी, खत्म, टाटा बाय बाय। लो 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 तुम एक सुअर हो, तुम एक डॉग हो। तो गाइस
गाइस, जो दिन मुझे पार्सल आया था वो मैंने खुद अकेले अकेले देख लिया था और मैंने आपको नहीं दिखाया, माफी कर दो क्षमा मानी। तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये सारे जो आप ज्वेलरीज वगैरह पहनते हो कहाँ से हैं। तो बेसिकली अभी तो मैं ज्वेल्स गैलेक्सी से बहुत सारी चीजें ले रही हूँ एंड यहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो है ज्वेल्स गैलेक्सी से। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हूप इयर रिंग है, बहुत ही प्यारा सा पीच कलर में। यहाँ पे क्यूट सा फ्लावर बना है, इसके साथ है ये क्यूट से बटरफ्लाई इयर रिंग्स। नेक्स्ट क्या दिखाऊं, नेक्स्ट में कुछ एथनिक दिखा देती हूँ। लहंगे वगैरह पे काफी सही जाएगा एंड जो यहाँ पे पर्ल्स है वो भी काफी पीची टोन में है। मेरे पास ये बहुत ही प्यारी सी रिंग, बहुत सही है यार, ये वाली बहुत सही है। पता है क्या हुआ था, इसकी थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, मुझे ये वाली इतनी पसंद आई थी, मैंने जब भी पैकेज खोला तो मैंने पहन लिया। उसकी वजह मैं कह रही हूँ कि ये सारे पैकेट्स रखने, मैं कह रही हूँ अरे कुछ तो कर बट कुछ मिल नहीं रहा, कहाँ गया। और मैंने अपने हाथ में इसे पहना था, फिर मैं कह रही हूँ अरे ये तो यहीं पर है। बड़ी वाहियात सिली सी स्टोरी मैं सुनाती हूँ, लेकिन क्या करें। यहाँ पे है मेरे पास कुछ अगेन इयर रिंग्स, इसमें मोस्टली बटरफ्लाईज बने हुए हैं और फिर से स्टडेड। एक्चुअली यहाँ पे चार बटरफ्लाईज बने हैं, यहाँ पे ग्रीन बटरफ्लाई है, वाइट बटरफ्लाई, हूप के साथ एक छोटी सी बटरफ्लाई है एंड ये स्टड वाली बटरफ्लाई है। मैं ऐसे अजीबो गरीब नाम लेके बता रही हूँ ना, ऐसे कोई हॉल नहीं करता होगा। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको ये। तो ये है नेक्स्ट एक ब्रेसलेट, यहाँ पे एक छोटू सा पर्ल एंड छोटू सा लॉक भी अगर आपको दिख रहा होगा तो, बाकी ये चेन जैसा है एंड सही है। ठंडा लग रहा है यार इसे मुझे पहनने में। ओके, तो ये काफी यूनिक पीस है, यहाँ पे एक साइड पर्ल्स है एंड एक साइड चेन्स है। इसमें क्या है, वाओ यार इतने प्यारे प्यारे पीस है ना, मैं क्या बताऊं। ओके, तो अगेन ये गोल्ड प्लेटेड नेकलेस है, यहाँ पे क्यूट सा लॉक है, यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट है। नेक्स्ट मेरे पास है ये हूप इयररिंग्स एंड ये इस साइड से थोड़ा सा डिफरेंट है और बाकी तो स्टड है। इस टाइप के मेरे पास बहुत सारे स्टड इयररिंग्स हो गए और मुझे बहुत सही लगा, मतलब इनकी जो ज्वेलरीज वगैरह है जल्दी काले नहीं होते हैं। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं तभी बताती हूँ। अगर कुछ काला वाला पड़ जाता है मुझे भौंक रही है, किसी ने लिखा था कि मेरा ज्वेलरी ब्लैक हो गया तो उन्होंने बोला कि आप रिफंड कर सकते हो, तो काफी सही बात लगी मुझे उनकी। ओके, तो इसका जो लॉक है वो थोड़ा सा बड़ा है साइज में, तो इसे पहनेंगे तो कितना बोलती हो यार, क्या प्रॉब्लम है मेरे बोलने से तुमको, हॉल है ये, ठीक है जाने दो। तो ये देखिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ दूर से कि कैसा है। इस पे बिग बॉस का आप बना है तो मुझे ये देख के मन कर दिया मैंने यहाँ पे सारे पियर्सिंग करवा लूँ ऐसे भर भर के। ये है जो आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में एक पहना था, देखो मैंने इसे उलझा दिया है। ओके, तो ये ऊपर का मैं अमेजिंग, वाओ बहुत प्यारा यार। यहाँ पे एक पर्ल नेकलेस है जहाँ, और उनके नीचे बनी हुई है हमारी एलिजाबेथ। प्रोडक्ट मेरे पास है वो है ये, मैंने इसे थोड़ा सा उलझा दिया क्योंकि मैं इसे पहन के कूद रही थी। अगर आपको इन सारी ज्वेलरीज में से भी कोई सी ज्वेलरी पसंद आती है या आपको लेना है या प्राइस जानना है या फिर जो भी हो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो और वहां से डायरेक्टली खरीद सकते हो, ये अमेजोन मिंत्रा पे आपको मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। बाय गाइज, गुड नाइट। अब मैं इसे रखूंगी, नहीं नहीं आपकी आपके लिए ब्यूटी शॉट रिकॉर्ड करूंगी ताकि अच्छे से आपको जूम कर करके देखें।